नमस्कार दोस्त, आज आपका फिर स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर एक नई जानकारी के साथ आप लोगों के बीच आए हैं, तो उम्मीद करता हूँ दोस्त आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज़ का। लुधियाना में BSNL कर्मचारियों ने पक्षातपूर्ण तबादलों का विरोध किया। जी हाँ, लुधियाना में जो है BSNL कर्मचारी का तबादला के कारण बहुत बड़ा बवाल हो गया है। कहा है कि तबादले आमतौर पर मार्च में होते हैं, लेकिन कैश काउंटर पर काम करने वाली एक महिला कर्मचारी को हाल ही में ग्राहक सेवा केंद्र में स्थानांतरित कर दिया गया था। लुधियाना में मंगलवार को GM कार्यालय के अंदर तबादलों के विरोध में धरने पर बैठे BSNL कर्मचारी। जी हां, इसके विरोध में जो है BSNL कर्मचारी ने धरने पर बैठ गया GM के कार्यालय में। तो दोस्तों वहां पे पुलिस भी बुलानी पड़ गई। तो कर्मचारियों के कथित पक्षातपूर्ण और असामयिक स्थानांतरण को लेकर BSNL के करीब 20 कर्मचारियों ने मंगलवार को विरोध प्रदर्शन किया। अपनी असहमति दर्ज कराने के लिए वे BSNL महाप्रबंधक के कार्यालय के फर्श पर बैठ गए। जी हां, उन लोगों ने BSNL महाप्रबंधक के कार्यालय के फर्श पर बैठ गए। BSNL कर्मचारी संघ के जिला सचिव अवतार सिंह ने कहा, कैश काउंटर पर काम करने वाली एक महिला कर्मचारी को ग्राहक सेवा केंद्र और इसके विपरीत स्थानांतरित कर दिया गया था। यह स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि स्थानांतरण आमतौर पर हर साल मार्च में किया जाता है। कर्मचारियों को कम से कम 2 साल के लिए निश्चित स्थान पर काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए। इस बीच जिन अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पुलिस को बुलाया गया था। जी हाँ, कंडीशन यहाँ तक खराब हो गई थी कि पुलिस को बुलानी पड़ गई। पुलिस को बुलाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि हम लोग शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। जी हाँ, यूनियन के नेता ने कहा कि हम पुलिस को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं थी, हम लोग शांतिपूर्ण विरोध कर रहे थे। इसके अलावा अधिकारियों ने हमारे खिलाफ अन्य यूनियन नेताओं को उकसाया और फूट डालो और राजगुरु की नीति अपनाई। तबादलों पर फिर से विचार करने का आश्वासन मिलने के बाद हमने विरोध धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया। जी हाँ, धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया है, क्योंकि उसको आश्वासन दिया गया है कि ठीक है, इस मुद्दे पर हम विचार कर रहे हैं। तो